अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद हनीफ खेतरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़। आज एक और टॉप स्टोरी के साथ खिदमत हाजिर हूँ। नाज़रीन, वीडियो की डिटेल सुनने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो आपको बर्वक्त मिलती है, और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो आज हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया के पहले मोबाइल का बुनियादी काम सिर्फ कॉल करवाना था और मोबाइल की इस पहली नस्ल को 1G यानी फर्स्ट जनरेशन का नाम दिया गया, और इस मोबाइल में कॉल करने और सुनने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था। फिर जब मोबाइल में SMS यानी सेंट मैसेज का ऑप्शन ऐड हुआ तो इसे 2G यानी सेकेंड जनरेशन का नाम दिया गया। फिर जिस दौर में मोबाइल्स के ज़रिए तस्वीर भेजने की सलाहियत भी हासिल कर ली गई तो इससे एज के मोबाइल को 3G यानी थर्ड जनरेशन का नाम दिया गया, और जब बजरिया इंटरनेट मुतारिक फिल्म्स और मूवीज़ भेजने की सलाहियतें भी हासिल कर ली गई तो इस एज के मोबाइल को 4G यानी फोर्थ जनरेशन का नाम दिया गया। और अब जब मोबाइल की दुनिया 5G की तरफ बढ़ रही है तो इस वक्त तक दुनिया की हर चीज़ को मोबाइल में शिफ्ट कर दिया गया है। आज दुनिया का शहद ही कोई ऐसा काम हो जो मोबाइल से ना लिया जा रहा हो, मगर हैरत है कि इतनी तरक्की करने और नित नए मराहल से गुजरने के बावजूद ये मोबाइल आज भी अपना बुनियादी काम नहीं भूला। आप कोई गेम खेल रहे हो या फिल्म देख रहे हो, इंटरनेट सर्चिंग कर रहे हो या वीडियोज़ बना रहे हो, अलगर्ज मोबाइल पर एक वक्त में मसलन 10 काम भी कर रहे हों, लेकिन जैसे ही कोई कॉल आ गई मोबाइल फ़ौरन से पहले सब कुछ छोड़कर आपको बताता है कि कॉल आ रही है। ये सुन लें और वो अपनी असल और बुनियादी काम की खातिर बाकी सारे काम रोक लेता है। और एक इंसान जैसे अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और सारी कायनात को इसकी खिदमत के लिए सजा दिया, वो अल्लाह की कॉल पर दिन में कितनी बार अपने काम रोककर मस्जिद जाता है। मस्जिद जाना तो दर्दनाक, अब अल्लाह की कॉल यानी अज़ान पर हम अपनी गुफ्तगू भी रोकना मुनासिब नहीं समझते। इबादत हर इंसान और नमाज हर मुसलमान की ज़िंदगी का बुनियादी जुज़ है, जिसकी मौत तक किसी सूरत में भी माफ़ी नहीं। काश हम मोबाइल से इतना सा ही सबक सीख लें जिसे हमने खुद ایجاد کیا اور ایک لمحہ بھی خود سے جدا نہیں کرتے کہ دنیا کے سب ہی کام کرو مگر اپنی پیدائش کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کبھی نہ بھولو۔ اذان ہوتے ہی سب کام روک کر مسجد چلو اور اللہ کی کال پر لبیک کہو۔ ناظرین، میں نے صرف آپ کو موبائل کے اس میں جنریشنز کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دی، اس کے بعد ہم موبائل کے اندر وہ تمام کام کرتے ہیں جب دیکھو کسی بھی قسم کی کال آ جاتی ہے، چاہے وہ کمپنی کی طرف سے ہے، چاہے وہ فیملی کی طرف سے ہے، دوست کی طرف سے، کسی بھی رشتہ دار کی طرف سے ہے۔ اس ٹاپ سٹوری کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کال کو تو اٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن جس ذات نے، جس خداوند نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی کال، جیسا کہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو ہم اپنی جو بات اگر کال پر کر رہے ہیں وہ نہیں روکتے اور اذان کو سنتے نہیں، اور نہ ہی اللہ کی دی ہوئی کال پر ہم راغب ہوتے ہیں، نہ کہ وہاں مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا بنیادی فرض اور عقیدہ یہی کہتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر آئے وہاں چل پڑو۔ کہتے ہیں علماء کرام کہ اللہ کہتا ہے آپ مجھے ایک دفعہ پکارو، میں آپ کو ہزار دفعہ پکاروں گا۔ اللہ پاک کو اپنے بندے سے محبت ہے۔ تو ناظرین، یہ موبائل انسان نے ہی ایجاد کیا ہے، تو جو چیز انسان نے ایجاد کی ہے، کیا انسان اس موبائل کا اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ اسی موبائل کے اندر کیڑا بن کے گھسا رہتا ہے؟ تو ناظرین، ہم باتیں تو بڑی کر لیتے ہیں لیکن عمل درآمد کچھ نہیں ہوتا۔
तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के साथ आपको एक बेहतरीन सबक ज़रूर मिला होगा और आज के बाद अपने आप से एक अहद कर लो, वादा कर लो कि जब भी अल्लाह की कॉल हमें आए, पांच वक्त अल्लाह हमें बुलाता है अपनी तरफ, हमने पांच वक्त पाबंदी के साथ अल्लाह की तरफ रागिब होना है और अल्लाह की इबादत करनी है, नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद दुनियावी काम के लिए भी अल्लाह ताला ने इंसान को वक्त दिया है, उसके बाद दुनियावी काम कर लें। उलमा कराम फरमाते हैं कि इस नमाज में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टोटल पांच नमाज़ें हैं, इन पांच नमाज़ों में हमें अल्लाह ने 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में से सिर्फ एक घंटा अल्लाह के लिए निकालें तो यकीन मानिए आपके तमाम ज़िंदगी के मुश्किल काम आसान हो जाएंगे और मंजिल भी आसान हो जाएगी और क़यामत के दिन भी कामयाबी होगी और सुरखरू होंगे। मोबाइल से फ़वाद ज़रूर हासिल करें, मोबाइल के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हो। इसके ज़रिए आप अच्छे पैगाम शेयर करो, अच्छी वीडियोस बनाओ और इस्लामिक बयान दो ताकि जो देखने वाले लोग हैं वो इस मोबाइल के ज़रिए मुफीद हो सके। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगेबान। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, ये लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।